फ्रेंड, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कोरे हाउस सिंथेसिस के बारे में। कोरे हाउस सिंथेसिस जो एक की एक कपलिंग रिएक्शन है। कपलिंग रिएक्शन क्या होता है, इसमें जो हमारा रिएजेंट होता है वो रिएक्टेंट के आर के साथ मिलकर एक नए प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करता है। तो देखिए इसमें होता क्या है, इसमें हम एल्किल हैलाइड को लेते हैं जिसको हम एलो एल्केन भी कहते हैं, और ये यहाँ पर कोई रिएजेंट होता है उसके साथ कपलिंग कर कर एक नए प्रोडक्ट की फॉर्मेशन यहाँ पर कर लेती है। ये जो आर है ये हमारा आता है एल्किल हैलाइड से, और ये जो आर आता है वो आता है हमारा रिएजेंट से। तो यहाँ पर रिएजेंट क्या होता है, रिएजेंट जो हम यूज करते हैं वो होता है हमारा R2CuLi, जिसे हम गिलमैंस रिएजेंट भी कहते हैं। ठीक है, जिसे हम गिलमैंस रिएजेंट भी कहते हैं। इसको मैं आपको बता चुका हूँ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, ये एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते हैं बेटा। सबके सब क्या होते हैं, सोर्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल के सोर्स होते हैं। तो आपका ये भी क्या होगा, ये गिलमैंस रिएजेंट भी न्यूक्लियोफाइल का सोर्स होगा। इसमें जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो आपका होता है R-। ठीक है, अब मैं आपको इसके बारे में एक और बताना चाहूँगा। R2CuLi को हम डाई एल्काइल लिथियम क्यूप्रेट भी कहते हैं। ठीक है, लिथियम क्यूप्रेट भी कहते हैं, मैं पूरा नाम नहीं लिख रहा हूँ, आप समझ जाइए। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल होता है इसमें क्या करता है, ये SN2 को फॉलो करता है। जो हमारा ये गिलमैंस रिएजेंट होता है वो SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है, और आप सभी लोग जानते हैं कि SN2 में जो हमारा न्यूक्लियोफाइल होता है ये बैक साइड से यहाँ अटैक करता है। तो यहाँ पर भी ये बैक साइड से यहाँ पर ये अटैक करेगा, और जैसे ये बैक साइड से इधर अप्रोच कर रहा होगा वहीं ये आपका हेलोजन जो है वो यहाँ से लीव हो जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा, और ये दोनों आपस में पास आकर कपलिंग करके एक अपना ये नया कंपाउंड की फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो इसकी जो मैकेनिज्म होती है वो मैं आपको नहीं बताने जा रहा हूँ क्योंकि अभी रिवीजन है, तो मैं जल्दी से जल्दी आपको ट्रिक बता देता हूँ कि देखिए आपको करना क्या है। जब भी आपको ये दिया जाए और आप देखें कि उसमें R2CuLi पढ़ा हो, तो आप तुरंत समझ जाएंगे कोरे हाउस सिंथेसिस की बात हो रही है और बनने वाला प्रोडक्ट हमारा क्या होगा, एल्केन होगा। तो आपको करना क्या है, आप क्या करिए, एल्काइल के ये हेलो एल्केन के आर और ये हमारा गिलमैंस रिएजेंट के आर को मिलाइए, उठाइए और सीधे सीधा एक दूसरे से क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। बस आपको ये करना है, आपका प्रोडक्ट बनके तैयार हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल भी करके दिखा देता हूँ। मान लीजिए आपके पास ये दिया हुआ है, ये आपका एग्जांपल है कि मान लीजिए आपको C2H5Br यहाँ पर दिया हुआ है, प्लस आपको दे दिया है यहाँ पर ये CH3 का होल ट्वाइस सी होल थ्राइस सी और CuLi ये डाला हुआ है, और आपसे पूछ रहा है बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो देखिए आप जानते ही हैं कि हेलो एल्केन है, और दूसरी बात ये यहाँ पर हमारा ये हो गया, ये जो ग्रुप है ये है हमारा R। ठीक है, और यहाँ पर CuLi, तो हम समझ गए ये गिलमैंस रिएजेंट की बात कर रहा है, एल्केन की फॉर्मेशन होगी। सीधा सीधा कुछ नहीं करना है, इसके आर को उठाइए C2H5 और इसके एक आर के साथ आप जोड़ दीजिए। ये दो हैं यहाँ पर, ये R2 होता है लेकिन हमको R के साथ जोड़ना है, तो इसके एक R के साथ आप इसको जोड़ देंगे, इसको आप इस तरीके से जोड़ देंगे, आपकी ये प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, तो इसी तरीके से आप कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको कोरे हाउस सिंथेसिस समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करूँगा मैं क्लेमेंशन रिडक्शन और कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस की। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस करिए।